पंजाबी एकता चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार प्री सत श्री अकाल आदि वड्डियां खबरां। सीएम भगवंत मान ने अफसर नाल की हाई लैवल मीटिंग, ले चार वड्डे फैसले। पंजाब दे मुलाजम नूं लैके पंजाब सरकार ने जारी किए नवे हुक्म, कैबिनेट सब कमेटी ने कीतियां मीटिंगां। अज पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचणगे आनंदपुर साहब, मैगा पीटीएम च करनगे शिरकत। चरणजीत बराड़ ने अकाली दल उत्ते चुके सवाल, सुखबीर सिंह बादल नूं भी कहियां वड्डियां गल्लां। झोने दी खरीद नूं लैके पंजाब सरकार नूं हाईकोर्ट ने जारी किए वड्डे हुक्म, मंगिया जवाब। पंजाब च ठंड दी हुई शुरुआत, इस तरीक तों बदलेगा मौसम दा मिजाज। पंजाब दे इन्हां मुलाजमां नूं वड्डा झटका, एक्शन दी तैयारी च पंजाब सरकार। टिकट नूं लैके आम आदमी पार्टी च मचिया कलेश, जिला प्रधान ने सरकार नूं 24 घंटे लई दित्ता अल्टीमेटम। मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों झोने दी खरीद ते मंडियां दे प्रबंधां नूं लैके लगातार मीटिंगां करके जायजा लिया जा रहा है। इसे तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों इस मामले ते हाई लैवल मीटिंग की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों चार अहम फैसले ले गए हैं। इन्हां फैसलों बारे जानकारी सांझी करदे कैबिनेट मंत्री ने दस्सिया कि अज दी मीटिंग विच मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों चार अहम फैसले ले गए हैं। उन्होंने दस्सिया कि मुख्यमंत्री वल्लों आरओ की फीस 50 रुपए प्रति टन तो घटा के 10 रुपए प्रति टन कर दी गई है। जे कोई मिलर एक दिन आरओ लैके अगले दिन चुक लवे तो 10 रुपए भी नहीं ले जाएंगे, भाव वह मुफ्त आरओ चुक सकेगा। इस दे नाल ही कैबिनेट मंत्री ने दसा कि BRL वाले शैलर जिन्हों उपर किसी भी किस्म का कोई केस पेंडिंग है, इन्हां लई भी वड्डा फैसला किया गया है। पहला मिलिंग पॉलिसी मुताबिक इन्हां शैलरां दे भाईवाल ते ग्रांटर भी काम नहीं कर सकते सी, पर हुण ये फैसला लिया गया है कि इन्हां शैलरां दे भाईवाल ते ग्रांटर भी काम कर सकणगे, उन्हां नूं कोई मनाही नहीं होवेगी। उन्होंने दसा कि पंजाब च अजिहे 200 शैलर हन। इस दे नाल ही कैबिनेट मंत्री ने दसाया कि पहला नवीं मिलां नूं पूरा झोना नहीं सी मिलदा, पर हुण इह फैसला किया गया है कि नवीं मिलां नूं पुरानियां मिलां दे बराबर झोना मिलेगा। सूबे विच झोने दी सीजन बारे जानकारी दिंदिया उन्होंने कहा कि पंजाब विच हुण तक 24 लाख मैट्रिक टन तो वध झोना वख-वख मंडियां विच पहुंचा है। इस विचों 22.5 लाख मैट्रिक टन झोना खरीदया जा चुकया है। पंजाब कैबिनेट सब कमेटी जिस विच कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, कुलदीप सिंह धालीवाल ते हरभजन सिंह GTO शामिल हैं, ने पंजाब राज पावर कारपोरेशन लिमिटेड नूं इह यकीनी बनाउण दे निर्देश दिते हन कि कोई भी मुलाजम बिना जरूरी सुरक्षा किट दे कोई खतरे वाला काम ना करे। कैबिनेट सब कमेटी ने पंजाब भवन विखे वख-वख मुलाजम यूनियनां नाल मीटिंग दौरान इह वड्डे हुक्म जारी किए हैं। इस तो बाद मिड डे मील यूनियन नाल मीटिंग दौरान डायरैक्टर जनरल ने कैबिनेट सब कमेटी नूं जाणू करवाया है कि मिड डे मील वर्करां लई बीमा योजना प्रक्रिया अधीन है। प्रस्तावित योजना के तहत मिड डे मील वर्करां की दुर्घटना विच मौत होने के मामले में 16 लाख रुपए, कुदरती मौत के मामले में 1 लाख रुपए और दुर्घटना विच जीवन साथी की मौत के मामले में 2 लाख रुपए का बीमा मुहैया करन बारे विचार किया जा रहा है। कैबिनेट सब कमेटी ने यूनियन नूं भरोसा दिता है कि उन्हां वल्लों उठाईयां गईयां मंगां नूं जल्द हल किया जाएगा। इस दे नाल ही बेरोजगार सांझा मोर्चा ते पुरानी पेंशन प्राप्ती फ्रंट दे नुमाइंदियां नाल मीटिंग दौरान कैबिनेट सब कमेटी ने दोहराया है कि पंजाब सरकार उन्हां दीयां हक्की मंगां ते मुद्दियां ते सरगर्मी नाल काम कर रही है। कमेटी ने जोर दे के कहा है कि मुख्यमंत्री मान की अगवाई हेठ पंजाब सरकार सूबे की बेहतरी लई यत्नशील है। उन्होंने कहा कि वख-वख चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पंजाब सरकार नौजवानों रुजगार प्रदान करने ते अपने कर्मचारियों की भलाई नूं यकीनी बनाउण लई यत्नशील है। मुख्यमंत्री भगवंत मान 22 अक्तूबर यानी अज श्री आनंदपुर साहिब विखे मैगा PTM विच शिरकत करनगे। इत्थे इह खास तौर पर दसणयोग है कि सूबे भर के सरकारी स्कूलों विच PTM होने जा रही है, जिस विच लखां बच्चे अपने मापिआं नाल शामिल होणगे। पंजाब सरकार वल्लों कीता जा रहा है यह निवेकला उपराला आने वाले समय विच विद्यार्थियों नूं चंगी सेध दे के उन्हां दा भविख सवारण निखारण विच सहाई होवेगा। श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर दे मैंबर चरणजीत सिंह बराड़ ने सुखबीर सिंह बादल नूं लैके प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके चरणजीत बराड़ ने कहा कि पिछले समय में देखो पोशाकों वाला केस, डेरा मुखी नूं मुआफ़ी, वोटां की सौदाबाजी आदि, इन्हां नूं कोई श्रोमणी कमेटी क्यों नहीं रोक सकती। बराड़ ने कहा कि इसका एक वड्डा कारण है कि अंतरिम कमेटी विच 72 घंटे का नोटिस जारी हुंदा है अते कोई होर नवा लग जाता है। इस दे नाल ही चरणजीत सिंह बराड़ का कहना है कि 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब
सिख संगत सारियां संप्रदावां ते जथेबंदियां दा धन्नवाद करदा हाँ कि सारियां कारण जथेदारां वल्लों सख्त फैसले ले जाणगे। उन्होंने कहा कि मैं सारे श्रोमणी कमेटी के मैंबरां नूं बेनती करदा हाँ कि श्री अकाल तख्त साहिब नूं सियासत तो मुक्त रखना चाहिए है। उस दिन भी 13 मैंबरां विचों 10 मैंबर इस मते नाल सहमत सी कि श्री अकाल तख्त साहिब नूं सियासत तो आजाद रखना चाहिए है, पर 10 मैंबर सहमत होने के बावजूद भी फुटकल अते मंजूरी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने नहीं दिती, जिस कारण यह मता पास नहीं हो सकया सी। इस दे नाल ही चरणजीत सिंह बराड़ का कहना है कि सुखबीर बादल नूं तनखाइया करार दिता गया है, फिर वह श्रोमणी कमेटी के मैंबरां नाल बैठकां क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि जथेदार की घटना विच कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने अपनी बनती भूमिका क्यों नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह के इस्तीफे का दुख होया है। उन्होंने कहा कि विरसा सिंह बलटोहा का इकले का फैसला नहीं सी, यह अकाली दल का फैसला सी। उन्होंने कहा कि पार्टी नूं चाहिदा सी कि बलटोहा उत्ते सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सी। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान धामी वालों सख्त होकर गल करनी चाहिए है। पंजाब सरकार ते अजे तक झोने की खरीद शुरू ना करन दा दोष लगाउंदिआं दाखिल इक लोक हित पटीशन विच कहा गया है कि जेकर फसलां दी खरीद समय सिर ना होई तां किसानां नूं उन्हां दी फसल दी अदायगी समय सिर नहीं होवेगी, ते जेकर अजिहा हुंदा है तां फसल ही रसमी अते गैर रसमी स्रोतां तो लए गए कर्जे दी अदायगी विच देरी होवेगी। यह भी कहा गया है कि जेकर अजिहा हुंदा है तां नवी फसल लई नकद कर्जा मिलने विच होर देरी होवेगी। सोनीपत दे एक व्यक्ति वालों दाखल पटीशन ते पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार ते FCI तो जवाब मंग लिया है। इस दे नाल ही सुनवाई दौरान पंजाब सरकार दे वकील ने कहा कि सरकार खरीदी प्रक्रिया विच है अते हाई कोर्ट ने इस संबंधी अगली सुनवाई ते पंजाब सरकार नूं जवाब दाखल करन दे हुकम दिते हन। पंजाब दा तापमान लगातार डिगदा जा रहा है। बीते दिनी लुधियाणा पटियाला चंडीगढ़ बठिंडा फरीदकोट गुरदासपुर च रात का तापमान आम नालों 3-4 डिग्री सैलसीयस ज़्यादा सी, हालांकि दिन के तापमान च 0.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चंडीगढ़ 0.2 डिग्री का मामूली वाधा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग मुताबिक 25 अक्तूबर तक पंजाब च मौसम खुश्क रहेगा, पर 26 अक्तूबर तो पंजाब च मौसम बदल सकता है। पंजाब विच अगले एक हफ्ते तक मीह पैण की संभावना काफ़ी घट गई है, जबकि तापमान विच गिरावट जारी रहेगी। प्रॉपर्टी रिटर्न भरन वाले नगर निगम मुलाजमां ते सख्ती वधन जारी है। इस संबंधी पंजाब सरकार वालों सारिया नगर निगमों तो रिपोर्टा मंगिया गई हैं कि किन्ने मुलाजमान वालों हुण तक प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरी जा रही, जिस दे आधार ते आने वाले दिनों विच इस कैटागरी के मुलाजमान ते एक्शन हो सकता है। इस तो इलावा मुलाजमान वालों प्रॉपर्टी रिटर्न भरन तो बाद उन्होंने रिव्यू ते मंजूर करन लई नगर निगम कमिश्नर डायरैक्टर ते प्रिंसीपल सकत्तर तो लैके लोकल बॉडीज़ मंत्री तक की अथॉरिटी भी सरकार वालों तय कर दी गई है। पंजाब विच आउण वाली 13 तरीक नूं 4 हलकियां विच जिमनी चोणां होण जा रही हैं, जिस दे चलदे आम आदमी पार्टी वालों बाजी मारदे हुए 4 हलकियां तो उम्मीदवारां दे नां ऐलाने गए हन, पर बरनाला दी सीट तो उम्मीदवार खड़ा करन ते विवाद शुरू हो गया है। एक पासे जिथे पंजाब च जिमनी चोणां नूं लैके सियासी माहौल भखिया होया है, उत्थे ही दूजे पासे आम आदमी पार्टी च अते उम्मीदवारी नूं लैके बरनाला तो जिला आम आदमी पार्टी दे प्रधान ने अल्टीमेटम दिता है। इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी वालों पुराने वर्ग दरकिनार किया जा रहा है। इस मौके बोलदिया गुरदीप बाठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही गलत तरीके बरनाला तो टिकट दिती है, होरना पार्टियां वांगू आम आदमी पार्टी विच भी भाई भतीजावाद शुरू हो गया है। उन्हें कहा कि उम्मीदवार बनाए गए हरिंदर सिंह धालीवाल की कोई पछाण नहीं है, उन्होंने कोई पछाण संसद मैंबर मीत हेर नाल उन्हां दी दोस्ती है। इस दे नाल ही उन्होंने सरकार नूं चेतावनी दिंदिआं कहा कि जेकर पार्टी ने 24 घंटिआं दे अंदर टिकट नूं लैके अपना फैसला ना बदलिया तां उह मीटिंग करके कोई सख्त फैसला लैणगे, अते जेकर लोड़ पई तां गुरदीप सिंह बाठ नूं आजाद उम्मीदवार वजो चोण लड़न लई कहा जा सकदा है। सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं तनखाइया करार देता, तनखाइए करार दे जिहड़े सिख रहत मर्यादा उहदे च सारा कुछ क्लीयर है कि जे कोई तनखाइए नाल वरतदा तो वह भी तनखाइया हो जाता है, और इतों तक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं उन्होंने किसी ने जाके जानकारी नहीं दी होनी, जे जे जानकारी दी है तो दसन भी असी तो दस्या सी वह उलंघना कर रहे हैं। SGPC मैंबरां नूं भी बुला के मीटिंग हो रही हैं, और साडे कोले तां इह भी खबरां ने सच्चियां जां झूठियां अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहिबान पड़ताल लैण,
खुद धामी साहब भी उदू बाद तनखाइया करार देने तो बाद जिहड़ा हैगा वह मीटिंगा करके आए आ। फिर एडू वड्डी अग्या की हो सकती है? अज सुखबीर सिंह बादल क्यों तनखाइया ने? क्योंकि उन्होंने अकाल तख्त साहब के हुक्म की अवग्या की है, उलंघना की है। तो जेड़े इंसान अज भी अवग्या कर रहे हैं, फिर अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब आन, उन्होंने भी मेरी बेनती है कि संज्ञान लेना चाहिए। ये तीजा हो गया जी। चौथा आदेश जो थोड़े सामने हो, मैं लेना पैना ना, वैसे मीडिया के अदारे के दूजे मीडिया का ना तुम कुछ ठीक नहीं समझ देंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चो हर रोज़ गुरबाणी लाइव का मुद्दा सी जिहड़ा कि इक्को एक अदारे कोल है, और अदारा की है सुखबीर सिंह बादल का। और आदेश की सीगा कि अगले तीन महीने के चैनल अपना बनाया जाए। यूट्यूब चैनल बन गया, पर अज तक जिहड़ा हैगा वह चैनल नहीं बनाया, उल्टा उस अदारे नाल तीन साल का एग्रीमेंट अगे होर वधा लिया। ये चौथी लंघना है। ये मैं वो दस रहा जी साल दो साल थोड़े सारा कुछ सामने वापरिया। पंजवीं जी उलंघना है, ये 15 तरीक के जोड़ा हुक्मनामा से उस की वग्या योगी है। जे तुम याद करो तो मैं 17 थोनू पढ़ दिया, वैसे तो तुम सारे ने पढ़िया जड़िया अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने जारी किया। उन्होंने लिखा की सगा कि साहब विरसा सिंह बलटोआ के माफ़ी मंगण करके उन्होंने सज़ा जी है घट कर दें, पर फिर भी जी है सख्त कार्रवाई नहीं करते। श्रोमणी अकाली दल के कार्यकारी प्रधान आदेश किया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप और सारे अहदों तो बर्खास्त किया जाए, तो 10 साल लिए इसका दोबारा पार्टी में शामिल होने पर रोक लगाई जाए। ये हुण तुसीं अंदाजा लाओ कि स्पष्ट आदेश है। पर किया की है? किया हैगा कि श्रोमणी अकाली दल ने एक अस्तीफा मंजूर किया, जिहड़ा डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के सब तो वध कागजां दे वध पढ़े लिखे समझदा मैं, ते इहदे च ना तां किते 10 साल का लिखिया। कहली गल तां अस्तीफा 10 साल वास्ते कोई हुंदा ही नहीं, अस्तीफा तां अस्तीफा ही हुंदा। इन्हां ने दूजे तीजे दिन बचन की एक क्लैरिफिकेशन जी देने की कोशिश की, कहिंदे अस्तीफा 10 साल का सी पर लिखिया कित्थे मिटदियां? आ लिखिया तां तुहाडे सामणे आ, मैं तुहानूं सारे मीडिया नूं जारी कर दूं। उह कहिंदे आदेश संबंधी मैं खुद गुरु दा एक नमाणा सिख होण करके सिर झुका के प्रवान करदा, श्रोमणी अकाली दल के सारे अहुदिआं दे नाल नाल श्रोमणी अकाली दल की मुढ़ली मैंबरशिप तो अस्तीफा दिंदा हाँ। अज भी ट्विटर से पिया डॉक्टर दलजीत सिंह जी चीमा दे 15-10 वाले हुक्म की भी अवग्या हुई, तो धामी साहब इनू पूरा कराने के अगे नहीं आ रहे। ये चारे जिहड़े मैं पहला पढ़ते धामी साहब ये कमजोरी दिखा रहे, नहीं तो पूरे हो सकते। 328 सरूपां की एक कमेटी बनी सी श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मों थले, थोड़े ध्यान च होना है, बड़ा रौला पिया इस गल का। वह कमेटी ने बहुत सारे फैसले दिते, उहदे चो एक आदेश किया श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने, उन्होंने की किया कि सीए जिहड़ा कोहली है वह तो 9 करोड़ रुपया वापस जमा करवाया जाए। तो मैं पूछना चाहना धामी साहब कि वह पार्टी के प्रधान साहब के करीबी बंदा ता नहीं तुसीं कोई नोटिस दे के जमा कराया, जां कित्थे गल खड़ी है? इस करके मैं ये 5-6 जिहड़े थोड़े सामने मुद्दे रखे है जिहड़े तुरंत थोड़े सारे अखां दे नज़रां दे कन्नां दे विचों दी निकले है कि यह हुक्मनाम्यां दी अवग्या हुई है, थां थां ते अवग्या हुई है। पंजाब दे अंदर हुण तक 24 लाख तो उपर 24 लाख मीट्रिक टन तो उपर पैड़ी जिहड़ी है वख-वख ज़िलिआं 'च वख-वख मंडियां 'च पहुँची है, और इस 24 लाख मीट्रिक टन दे विचों 22 लाख MT जिहड़ी है वह खरीदी जा चुकी है। सो लगभग 4,12,000 MT मंडियां दे विचों लिफ्टिंग भी की जा चुकी है, तो इहदा जिहड़ा बनदा पैसा आ जिहड़ा किसानां दे खातिआं 'च जाणा उहनां दी फसल दा, वह 4,000 करोड़ तो उपर वह क्लीयर किया जा चुकिया जिहड़ा खरीद तो बाद किसानां नूं दित्ता जाणा हुंदा। सो ये प्रक्योरमेंट की स्थिति है। सो होर 2-3 गल्लां 4 गल्लां जिहड़ियां बड़ियां महत्वपूर्ण ने इस सीजन नूं लैके, तो खास करके जिहड़ियां मिलर दे पक्ष 'च ने, वह माननयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने बहुत वड्डी एक मैं समझदा भी होर रिलीफ उन्हां नूं दित्ती है, तां जो साडा इह जिहड़ा प्रक्योरमेंट का पैड़ी प्रक्योरमेंट का जिहड़ा सीजन है ये हर फैकल्टी लिए वधिया होवे ते होर सुचारू रूप से जिहड़ा चलाया जा सके। सो पैड़ी प्रक्योरमेंट के अंदर एक साडे को जिथे सरपलस पैड़ी है वो ते असीं RO दिंदे आ हर साल। सो RO की
50 रुपये पर टन जी फीस ली जाती है। सो मानयोग मुख्यमंत्री जी वालों ये 50 रुपये को घटा के 10 रुपये 50 रुपये की थान हूँ आर ओ फीस जी 10 रुपये मिलर अदा करेगा। तो नाल ये भी कहा भी जे वो अज आर ओ लेंदा तो अगले दिन चुक लवे तो वह 10 रुपये भी वो कोलों नहीं ले जाएंगे, भाव वो फ्री आर ओ जो उतों चकेगा। सो ये नाल दी नाल साढ़े को एक बी आर एल बिलो रिजैक्शन लिमिट ये जड़े सैलर ने इन देते कई तरह के मतलब वह कोई कोर्टा च केस पेंडिंग है, कोई केस है, कोई सी बी आई का केस है। सो ये इन एक वड्डा फैसला किया कि जेड़े इन सिस्टर पार्टनर ने जड़े इन ग्रंटड ने जी मिलिंग पॉलिसी के अंदर पहलो ये कि जे वो उन्होंने जोड़े सिस्टर पार्टनर ने ग्रंटड ने वो भी काम नहीं सन कर सकते। तो ये भी एक बहुत वड्डी अज जी कंसेशन दी है कि वो जोड़े उन्होंने भाईवाल ने जा ग्रंटड ने वो भी हुण काम कर सकणगे, उन्होंने कोई मनाही नहीं होएगी। तो लगभग 200 सैलर ये 200 सैलर पंजाब च बनता। सो मैं समझदा कि ये बहुत वड्डी नियामत जिहड़ी है अज पंजाब सरकार मानयोग मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने दी है। सो इस तों इलावा साडे मिलिंग सेंटर हुंदे सन, सर्कल बने सन ज़िलों के अंदर, कितने 10 बने आ, कितने 15 बने आ, कितने घट वध बने आ। सो उस कलस्टर के अंदर जी वह मिलर ने पैड़ी चकनी हुंदी सीगी, हुण असीं वह ज़िले पद्धर दे कलस्टर बना दिता, भाव मिलर ज़िले की किसी भी मंडी तो जाके जी वह पैड़ी चक सक मतलब जी उठा सकता चक सकता। सो ये भी एक वड्डी जी रियायत रिलीफ जी है वो मैं समझदा उन्होंने मिली है। तो लास्ट जी चौथी कंसेशन उन्होंने मिली है वो है कि पहलों जो तो नवी मंडिया लगदिया सन, नवी मंडिया पूरी पैड़ी नहीं सी मिलती। सो ये भी इस बार फैसला कर दिता कि नवी मंडिया भी पुरानी मंडिया पुरानी सॉरी नवी मिलर्स भी मिलों पुराने मिलों के मुताबिक ही जी उन्होंने बराबर की पैड़ी जी वो चक सकते लै सकते उन्होंने दी जाएगी। सो ये चार गल्लां आर ओ नूं लैके उहदी फीस जी 50 तो 10 करती है, और जी बी आर एल दे अंदर वख-वख तरह के केसा नूं फेस कर रहे हैं पर उन्हां दे जिहड़े भाईवाल ने ग्रंटड ने उन्हां दे उत्ते कोई पाबंदी नहीं होएगी, वो मिलन करनगे, वो कारोबार करनगे अपना। ये 200 मिलर का मैं जिक्र किया। सो ये तां जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट पद्धर का जिहड़ा वो सेंटर बना दिता हुण कलस्टर की बजाए, तो चौथी जिहड़ी आ नवीआं मिलां नूं पूरी पैड़ी मिलेगी। सो मैं समझदा कि बड़ा शानदार और इस सीजन नूं लै के मैनू नहीं लगता भी कि इस तो वड्डी कोई जिहड़ी आ कोई गुंजाइश कोई लोड़ होर होवे। सो साडी हंबल रिक्वेस्ट है कि इस सीजन नूं जिहड़ा किसान ने मेहनत करके बड़िया औखिया हालतों के अपने खेतों अपने धियां वां पुत्तां वां फसलों पालदा, किसी भी तरह की किसान नूं मंडी के अंदर दिक्कत नहीं आन दी जाएगी। ये बड़ा क्लीयर मानयोग मुख्यमंत्री जी का देश है। सो अज फैसले जिहड़े आ पंजाब दे प्रोक्योरमेंट सीजन नूं लैके जिहड़े आ किते गए।